हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेशर पूजा मोड़ी व्लॉग। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था आपका कैश डिपॉजिट स्लिप के ऊपर, जिसमें हमने आपको जो टोटल है जानकारी दी थी कि किस तरह से आप बैंक में जाकर कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपका कि किस तरह से आप बैंक से कैश को विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से आपको वहाँ पे जाना है और फॉर्म को फिल करना है। देखिए, अलग अलग बैंकों का अलग अलग कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल स्लिप होता है। और जैसे कि आप SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा या अदर कोई बैंक, जहाँ भी आप पैसे निकालने जमा करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्लिप दिया जाता है। तो आज हम जो जिस स्लिप के बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आपका बैंक ऑफ बड़ौदा की स्लिप के बारे में कि किस तरह से आप उस स्लिप को भरकर कैश को विड्रॉल कर सकते हो। बहुत सारे भाइयों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिन भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं है या जो पहली बार बैंक से कैश को निकालने विड्रॉल करने चाहेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो फॉर्म है वो किस तरह से आपको बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए, इस तरह से आपको ये कैश विड्रॉल का आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपकी कैश विड्रॉल स्लिप है जिसे आपको फिल करना होता है। आपको इस स्लिप में फिल क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी शाखा जो ब्रांच है जहाँ पे आपका अकाउंट है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद में कितनी राशि आपको यहाँ पे जो है जमा करनी है, जैसे मान के चलो कि मेरा अकाउंट, मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, 48438100 एंड कुछ भी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ये मुझे फिल करना, जैसे मैं यहाँ पे 17235 फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये किसी का अकाउंट नंबर नहीं है, ठीक है, ये मैंने रैंडमली जो है यहाँ पे फिल किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ आपका ब्रांच, मतलब किस ब्रांच में आपका अकाउंट है। तो जिस ब्रांच में भी आपका अकाउंट हो वो आपको फिल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे भर देता हूँ आपका मेरठ ब्रांच, तो ऐसे ही मैंने रैंडमली यहाँ पे भर दिया, ठीक है। तो मेरठ ब्रांच में यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपका अमाउंट डालना है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे वर्ड में डालना है। देखिए, ये अगर आपका जो फार्म है अगर हिंदी में है तो आप यहाँ पे हिंदी में वर्ड में यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे 1000 रुपये निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 मात्र, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 ओनली, ठीक है, 1000 ओनली यहाँ पे हमें लिख देना है डिजिट में, अंकों में, ठीक है, इस तरह से, ओके। उसके बाद में क्या करना होता है, यहाँ पे आपका दिया हुआ सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ आप अपने सिग्नेचर करेंगे, जैसे मैं आपको ऐसे ही रैंडमली साइन इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, खातेदार का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे अंकित, विनोद, बिट्टू, जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पे उसको फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ भी आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इस तरह से करके डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि कुछ अगर भविष्य में प्रॉब्लम हो जाती है तो बैंक वाले आपको जो है कॉल करके वापस बैंक के अंदर बुला सकते हैं, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो, ओके। उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपने कर दिया। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रहेगी, डेट, ये आपको मेंशन करना होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे पता चलता है कि आपने इस डेट में इतने पैसे बैंक जाकर निकाले या विड्रॉल किए थे। उसके बाद में यहाँ पे साइन हो जाते हैं, नाम हो जाता है, मोबाइल नंबर हो जाता है। एक चीज़ और रह जाती है बैक साइड में, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होते हैं, 2 सिग्नेचर आप यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से, और 1 सिग्नेचर यहाँ होता है आपका, इस तरह से आप कर सकते हैं, ताकि जो बैंक का कर्मचारी वो जांच कर सके कि आपने जो आपके सिग्नेचर है वो मैच हो रहे हैं नहीं। मोस्टली जो पर्पज़ होता है साइन कराने का वो यही होता है आगे पीछे कि आपने जो है आप के जो साइन है वो मैच हो पा रहे हैं, मतलब पहचान हो जाती है कि ये जो अकाउंट है वो आपके नाम से ही और आपने ही साइन किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप बैंक से जाकर जो है कैश को विड्रॉल कर सकते हो। बड़ा ही आसान सा ये कैश विड्रॉल फॉर्म मैंने आपको भरकर
दिखाया है। आप आई होप कि ये जो है पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप बैंक जाकर कैश को निकाल सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आए जो दूसरे भाई हैं उनको भी इसका जो है लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप किससे मुलाकात होगी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।